हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं यूपी बोर्ड 12th के बच्चों के लिए वुमेन्स एजुकेशन से जो डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा लिखा गया उसमें से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ। सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मेरा आपसे वादा वादा है और एक रिक्वेस्ट भी है। रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरा वीडियो देखें और वादा ये है कि यदि आपने पूरा वीडियो मेरा देख लिया तो आपको फिर रटने की जरूरत नहीं है और इससे सरल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, चाहे आप जितना मॉडल पेपर से पढ़ लें या कहीं से पढ़ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ। वैल्यूएबल लाइफ के लिए कौन कौन सी तीन इंपॉर्टेंट क्वालिटीज इस लेसन में बताई गई। वैल्यूएबल लाइफ महत्वपूर्ण जीवन के लिए सिर्फ तीन बातें आपको लिखनी है, तीन शब्द आपको याद करने हैं। दा दा दा, तीन शब्द इसके आंसर में दा दा दा। देखिए, दा दा और दा, सिर्फ तीन दा याद रखने। तीनों दा का मतलब क्या है, लिखेंगे कैसे, देखिए। द इंपॉर्टेंट, सॉरी, यहां से मैंने लेकर यहां तक लास्ट तक अंडरलाइन करिए, नंबर एक यहां पर दिया है, मतलब यहां आंसर जब लिखेंगे दा से आप शुरू करेंगे, लास्ट तक उतार देंगे, उसके बाद नंबर दो आर को दिया है तो फिर उसके बाद आर लिख देंगे। ये आपको बिल्कुल नहीं रटना, ये आपका आंसर आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, समझ गए। दा से लेकर लास्ट तक उतारेंगे आंसर और फिर आर लिखेंगे, उसके आगे आपको तीन दा लिखने हैं। दम, डी ए एम ए कैसे लिखेंगे, सॉरी, दम को कैसे लिखेंगे, डी ए एम ए। दम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। दम से मतलब पावर नहीं होती है, फिजिकल पावर नहीं होती, सेल्फ कंट्रोल होता है। और कॉमा लगाकर लिखेंगे दान, डी ए एन ए, क्या लिखेंगे, दान। दान से मतलब है चैरिटी, दान से मतलब है चैरिटी। एंड दया, दया से मतलब है कंपैशन, दया से क्या मतलब है, कंपैशन। तो ये तीनों दा दा लिखेंगे और इनके अर्थ लिखेंगे, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सरल सा, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। दा दा, पहले दा से मतलब है, दम से मतलब है सेल्फ कंट्रोल, दूसरे दान से मतलब है चैरिटी और दया से मतलब है कंपैशन। बस आपको सिर्फ इतना याद करना, बात बाकी आपको क्वेश्चन से देखकर लिख देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड नाउ। नीड की जगह रिक्वायर भी हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, नीड और रिक्वायर का। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन, किस प्रकार की महिलाओं की नीड माने आवश्यकता होती है, सोसाइटी आवश्यकता है सोसाइटी को, नाउ माने अब सोसाइटी को किस प्रकार की महिलाओं की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, यहां से आंसर उतारना शुरू करेंगे। द सोसाइटी नीड से नीड्स हो जाएगा, ध्यान देना, यहां से उतारेंगे नाउ तक, और चाहो तो नाउ ना लिखो, द सोसाइटी नीड से नीड्स करना है, नीड में यस लगानी है, ध्यान से सुनना, नीड में यस लगानी है, उसके बाद वुमेन लिख देना है, फिर नंबर तीन में ऑफ लिखा है, ऑफ लिख देना है, कुछ नहीं आपको रटना। द सोसाइटी नीड्स नाउ वुमेन ऑफ, यहाँ तक आपको इसी से देखकर लिखना है, फिर आपको सिर्फ इतना रटना है, डिसिप्लिन माइंड पहला शब्द एंड रेस्ट्रेंट मैनर्स, सिर्फ इसमें दो ही बातें आपको याद रखनी है, कैसी कैसी महिलाओं की जरूरत है समाज को, डिसिप्लिन माइंड वाली, जिनका माइंड डिसिप्लिन हो, अनुशासित हो, डिसिप्लिन माइंड। और एड लगाकर रेस्ट्रेंड मैनर्स, मैनर्स माने होता है व्यवहार, कैसे व्यवहार वाली, रेस्ट्रेंड मैनर्स, संयमित व्यवहार वाली। तो सिर्फ दो ही शब्द आपको याद करने हैं, डिसिप्लिन माइंड एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स, याद हो गया, डिसिप्लिन माइंड एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स, मैं आपको याद भी करवाऊंगा, डिसिप्लिन माइंड और रेस्ट्रेंड मैनर्स, बस दो ही बातें याद रखनी है। चलिए, व्हाट वर द थिंग्स वुमेन वर entitled टू इन ancient इंडिया, पहले समझ लेते हैं हिंदी, व्हाट वर द थिंग्स, वे कौन सी चीजें हैं, वुमेन वर entitled, entitled से मतलब अधिकारिणी, जिनकी औरतें अधिकारिणी थी, टू इन ancient इंडिया, प्राचीन भारत में, तो वे कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी औरतें प्राचीन भारत में महिलाएं अधिकारिणी थी। तो यहां पर भी सिर्फ आपको दो ही चीजें याद करनी है, सबसे पहले तो आप यहां से आंसर लिखना शुरू करेंगे, वुमेन वर, सॉरी, यहां से लिखेंगे इन एंशियंट इंडिया, नंबर एक लिखा है, यहां से शुरुआत करेंगे इन एंशियंट इंडिया, फिर लिखेंगे वुमेन वर इन एंटाइटल्ड, समझ गए, इन एंशियंट इंडिया नंबर एक इतने को मैंने दिया, फिर इतने को नंबर दो दिया है, वुमेन वर इन एंटाइटल्ड, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आपको लिखना है टू द स्टडी ऑफ द वेदास,
वेदास से मतलब है वेदों को, स्टडी माने अध्ययन, तो टू द स्टडी ऑफ द वेदास। प्राचीन काल में महिलाओं को इस लेसन में बताया गया कि सिर्फ दो अधिकार थे वेदों, दो अधिकार उन्हें प्राप्त थे, वेदों को पढ़ने का अधिकार। तो टू द स्टडी ऑफ द वेदास, वेदों को पढ़ने का, तो इंग्लिश होगी टू द स्टडी ऑफ द वेदास। और दूसरा एंड लगाकर टू द चेंटिंग, चेंटिंग माने जपने का, पढ़ने का, गायत्री जप, गायत्री मंत्र को पढ़ने का। तो सिर्फ दो ही बातें आपको याद रखनी है, टू द स्टडी ऑफ द वेदास एंड टू द चेंटिंग ऑफ द गायत्री जप। ठीक है, याद हुआ कि नहीं? देखिए यहां से लिखना शुरू करेंगे, इन एंशियंट इंडिया वुमेन वर एंटाइटल्ड, आपको ये नहीं रखना है, सिर्फ अब आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है, आप जरा ध्यान से सुनिए, टू द स्टडी ऑफ द वेदास, वेदों को पढ़ने का, टू द स्टडी ऑफ द वेदास एंड टू द चेंटिंग, चेंटिंग करने का, पढ़ने का, इसका भी मतलब है जपना, पढ़ना या जपना, एंड टू द चेंटिंग ऑफ गायत्री जप। ठीक है, उसके बाद में लास्ट है, व्हाट इज द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का चीफ पर्पज क्या है, आगे लिखा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चीफ पर्पज एजुकेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो देखिए यहां से हम लिखना शुरू करेंगे, द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन नहीं रटना है, फिर नंबर दो इज, यही से देख लेना है, द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज। ठीक है, इज के आगे नॉट, इज के आगे क्या लिखना है, नॉट सिंपली गेनिंग ऑफ ए स्किल और इंफॉर्मेशन, नॉट के आगे सिंपली माने केवल, गेनिंग माने प्राप्त करना, स्किल और इंफॉर्मेशन कुशलता और सूचनाओं को गेन करना मतलब पाना, सिर्फ कुशलता स्किल सूचना इंफॉर्मेशन को गेन करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि इंट्रोडक्शन माने प्रवेश करना टू ए हायर लाइफ, उच्चतर जीवन में प्रवेश करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, यहां से लिख देना द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, फिर एज, नॉट के आगे है सिंपली गेनिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन, इज नॉट सिंपली गेनिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन बट इंट्रोडक्शन टू अ हायर लाइफ, बल्कि उच्चतर जीवन में प्रवेश करना, विच इज अबव, जो कि अबव होता है, परे होता है, द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो समय और काल के संसार से परे होता है। यदि आप छोटा लिखना चाहते हैं तो यहां तक लिखेंगे लाइफ तक, ये वाला ना लिखें तो भी आपका आंसर पूर्ण होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज, इज टू आर नॉट सिंपली गेनिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन बट इंट्रोडक्शन टू अ हायर लाइफ। ठीक है, यहां तक आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।